अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हो तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं महिला सुपरवाइजर की, और वो फ्री क्लासेस डली हुई है, डेली कोई ना कोई प्रैक्टिस करवाता ही है। तो अगर आपके पास बेसिक बुक है, सिलेबस है, तो आप उससे पढ़ के और अलग अलग कोचिंग के एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एमपी महिला सुपरवाइजर के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्स के बारे में मुझसे पूछा और मुझे ऑप्शन भी दिए हैं। ये सारे ये आपके ऑप्शन है कि हम विनर्स का लें, सत्याधी का लें, या फिर खान सर का लें। आप किसी का भी कोर्स लीजिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, महिला सुपरवाइजर की तैयारी में दो तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बीएड कर रखा है और बाल विकास इन सारी चीज़ों के बारे में उनकी तैयारी पहले से है, उनको पता है। कुछ ऐसे होंगे कि उनको किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और उनको बीच में ये वैकेंसी आई है, रेगुलर वैकेंसी नहीं है। 17 में हुआ था पेपर और अब 24 में हो रहा है, तो अब अचानक से आई है तो उनको देना है, भले ही उनका मैथ्स बैकग्राउंड हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। तो ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड अलग है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी इसका जो सिलेबस है उसको पढ़ने में, स्पेशली महिला बाल विकास वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ने में, ठीक है। बहुत सारे थिंकर वगैरह डिफरेंट डिफरेंट, और वो सारा बाल मनोविज्ञान इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो उससे पहले आपके पास सबसे पहले तो आप सिलेबस होना चाहिए। नहीं लिखा है सिलेबस तो सिलेबस निकलवा लीजिए और अपने पास रखिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ये इसका जो सिलेबस है 4 पार्ट में डिवाइड है, तो वो उन 4ों पार्ट के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए इनफ। वो नोट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई बुक भी हो सकती है बेसिक। तो इतना आपके पास बेसिक होना चाहिए ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लेके पढ़ सको, ठीक है, सिलेबस में अंडरलाइन करके। इसके बाद आपने बुक भी आप बुक पढ़ रहे हो, आपके पास सिलेबस है, फिर आप जब कोर्स की तरफ देखते हो तो आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कोर्स लें। इसमें आप ये कर सकते हो, इसमें ये मैटर करता है कि देखो आपके पास सिलेबस है तो आपको ये तो पता है कि पढ़ाएंगे सारे लोग सेम ही, कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ाएगा। अगर किसी थिंकर ने कुछ दिया है, लेव वाइगोस्की, जैसे लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो आप किसी का भी कोर्स लो वो यही पढ़ाएंगे कि इन्होंने यही सिद्धांत दिया है ना। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किसकी क्लास समझ में आ रही है, आप किस टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आपका डिफरेंट बैकग्राउंड है और आपको चीज़ों को समझना है तो आप किसी चीज़ को आसानी से समझ सकें, आपको ये ध्यान में रखना है। और जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं वो 1-2 दिन की डेमो क्लासेस भी देते हैं, उनके ऐप में पड़ी रहती हैं। तो आपने जिन कोचिंग्स की इंस्टीट्यूट की लिस्ट बना रखी है अपने दिमाग में कि मैं इनमें से कोई एक करूँगी, तो आप उनके ऐप पे जाइए, उनकी 1-2 दिन की डेमो क्लास लीजिए, देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं। प्रीवियस ईयर अपने पास रखिए कि प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप तीनों की डेमो क्लास ले सकते हैं और उनमें जिस टीचर से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उसका लीजिए। और जैसे कि मैं बात करूँ विनर्स का, तो विनर्स व्यापम की तैयारी के लिए जाना जाता है, मतलब स्टार्टिंग से ही व्यापम पे बेस्ड रहा है विनर्स। तो अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हो तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं महिला सुपरवाइजर की, और वो फ्री क्लासेस डली हुई है, डेली कोई ना कोई प्रैक्टिस करवाता ही है। तो अगर आपके पास बेसिक बुक है, सिलेबस है, तो आप उससे पढ़ के और अलग अलग कोचिंग के एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। विनर्स ले सकते हो, विनर्स अच्छा है, और सबके प्राइस भी अंडर 1000 है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और आपको इनमें से किसी भी कोर्स किसी इनमें से आपको किसी का भी कोर्स लेने पर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ये लोग आपको गाइड करेंगे एक, और आपके पास बेसिक सिलेबस होगा, अब उसको आप कितनी बार रिवाइज करते हैं, कितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। कोई भी आपको A to Z नहीं पढ़ा सकता है, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपकी मेहनत पे आपका एग्ज़ाम निकलेगा, तो
ये मत सोचिए कि अगर आपने सत्याधि ले लिया तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको ये लेना जरूरी है या फिर ये लोगे तभी। किस टीचर का आपको समझ में आ रहा है वो कोर्स ले लीजिए आप, ठीक है, आप पे बिल्कुल है। और इतना महंगा भी नहीं है कि बहुत लाखों रुपए फंस गए हैं, कोई भी एक ले लीजिए। बस बात इतनी है कि सिलेबस अपने साथ रखिए, बुक अपने पास रखिए, उनसे पढ़िए अच्छे से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा कोर्स लें आप, ठीक है। कोई सारे लोग अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि आपको किसका समझ में आ रहा है। और आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। दूसरा वीडियो बनाना था लेकिन आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इसको एक बार बता देती हूँ आपको, इसके बाद नेक्स्ट कोई वीडियो आएगा, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।